हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व की प्रमुख जो आपकी जल संधियां हैं और स्थल संधियों के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था। आज बात करेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। क्या विश्व के प्रमुख बंदरगाह? तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये बंदरगाह होते क्या है? हार्बर या बंदरगाह होते क्या है? तो याद रखना, किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जहां जलयान और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। बंदरगाह किसी बड़े बड़े जल निकाय से छोटा हुआ ऐसा छोटा सा जल समूह होता है जहां जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है, आश्रय मिलता है। यहाँ से लोग व सामान इन जलयानों या वाहनों से भूमि पर आ और जा सकते हैं। कई बंदरगाहों में जहाजों के स्वयं भूमि तक आकर उसके साथ खड़े होने के प्रबंध होते हैं, लेकिन अन्य में कम गहराई के कारण जलयान भूमि से कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कि आपके दो तरह के बंदरगाह होते हैं, ये प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसे भारत के कच्छ जिले में स्थित कंडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉग आइलैंड बंदरगाह कृत्रिम रूप से निचली दलदली भूमि और उससे सटे कम गहराई वाले सागरीय क्षेत्रों को खोदकर बनाई गई है। तो याद रखना कि बंदरगाह जो भारत में कंडला, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि अमेरिका में जो कैलिफोर्निया राज्य में आइलैंड बंदरगाह एक कृत्रिम रूप से बना हुआ बंदरगाह है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग जिस पर जो आपकी पृथ्वी है उस पर नजर डाल देते हैं, देख लेते हैं प्रमुख महाद्वीपों को और कुछ महत्वपूर्ण देशों को। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारे प्यारे, सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप की। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। ये आपका एशिया महाद्वीप है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ है, ये आपका यूरोप है, ऊपर ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका और ऊपर उत्तरी अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक, महासागरों की बात करें तो ये आपका हिंद महासागर है और ये आपका दक्षिणी अंध महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत और उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक, एक बार भारत को देख लेते हैं अच्छे से जूम करके। ये है आपका प्यारा भारत, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप सागर, यही श्रीलंका, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, ये आपका म्यांमार लगा हुआ है, ये भूटान है, ऊपर ये चीन है आपका, ये नेपाल है, ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा आपकी पीओके वाले हिस्से से लगती है, कहाँ से? पीओके वाले हिस्से से। ठीक है, और सबसे ज्यादा भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बंदरगाहों की स्थिति और उनके बारे में प्रमुख तथ्य। तो ये आपकी प्यारी पृथ्वी, ये आपका एशिया हो गया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशिया के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कहां से, भारत से। कहाँ से करेंगे? भारत से। तो ये आपका मुंबई बंदरगाह है, ये आपका कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास, ये महाराष्ट्र के पास, यही आपका ये पाकिस्तान में कराची है। कौन सा? कराची बंदरगाह। जो कराची बंदरगाह है इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रख लेना कि पाकिस्तान की पूर्व राजधानी, सबसे बड़ा नगर है, तथा
तथा बंदरगाही 1947 से 1967 तक कराची पाकिस्तान की राजधानी भी रहा है। इस नगर में अधिकतर जनसंख्या भारत से गए हुए मुहाजिरों की है। ठीक है, ये आपका हांगकांग है। हांगकांग कौन सा? हांगकांग, इसके बारे में याद रखना है आपको। हांगकांग के बारे में दक्षिणी चीन सागर के तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक नगर है। चीन का स्वायत्त शासी प्रशासनिक क्षेत्र भी है आपका हांगकांग। यही आपका संघाई है। कौन सा? संघाई। संघाई के बारे में आपको याद रखना है कि यांगट सेक्यांग के तट पर अवस्थित चीन का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। चीन का यह प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये आपका को बंदरगाह है, को बंदरगाह। इसके बारे में याद रखिए कि जो आपका को बंदरगाह है ये हुंसु, जापान के हुंसु द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ है? जापान के हुंसु द्वीप पर। ये आपका व्लादिवोस्तोक है रूस के पास। ये आपका टोक्यो है। कौन सा? टोक्यो बंदरगाह। इसके बारे में याद रखना है आपको कि होंसू द्वीप के पूर्वी तट पर अवस्थित है जापान की राजधानी है। ठीक, फ्रे आबादान। कौन सा? आबादान बंदरगाह है। इसके बारे में याद रखिए कि ईरान का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ तेल की विश्व की सबसे बड़ी बड़ा तेल शोधन शाला स्थापित है। इसे आप लोग तेल बंदरगाह भी कहते हैं। ये आपका बसरा है, बसरा बंदरगाह। कौन सा? बसरा। इसके बारे में याद रखना है कि ये भाप आपका इराक का तेल निर्यात करने वाला प्रमुख मुख्य बंदरगाह है। बगदाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका बंदरगाह है, बड़ा नगर है। ये आपका दुबई है। कौन सा? दुबई। दुबई के बारे में याद रख लेना है आपको कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक सदस्य देश है। ठीक है, ये जिद्दा है। जिद्दा के बारे में याद रख लेना आप लोग कि लाल सागर के पूर्वी तट पर अवस्थित सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग। यही ये आपका पोर्ट सईद है। कौन सा? पोर्ट सईद। पोर्ट सईद ये आपका, पोर्ट सईद है जो आपका ये स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर अवस्थित मिस्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। इस नगर को 1869 में सईद पाशा के शासनकाल में स्थापित किया गया था। यही आपका ये अल्जियर्स, अल्जियर्स है। कौन सा? पोर्ट सईद के बाद अल्जियर्स। इसके बारे में आप याद रखना कि अल्जीरिया की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर जो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है, उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख बंदरगाह है। ये आपका उत्तर अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यही आपका, ये आपका जवात, सॉरी रबात। कौन सा? रबात। यही आपका डकार है बंदरगाह। ये आपका पोर्टो नोवा है। कौन सा? पोर्टो नोवा। इसके बारे में याद रख लेना कि गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बेनिन की राजधानी है। ठीक, ये आपका केप टाउन है। कौन सा? केप टाउन। केप टाउन के बारे में याद रखना कि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ देश का संसद भवन भी है। ये आपका पोर्ट एलिजाबेथ है। पोर्ट एलिजाबेथ। ये आपका डरबन है। कौन सा? डरबन। डरबन के बारे में याद रख लेना है कि आपका जो डरबन है ये हिंद महासागर के तट पर अवस्थित दक्षिण अफ्रीका का मुख्य नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है डरबन। ये आपका यहाँ सिंगापुर है एशिया में ही। ये आपका अफ्रीका था, एशिया में कुछ रह गए थे सिंगापुर। ये आपका जकार्ता है। कौन सा? जकार्ता। जकार्ता के बारे में याद रख लेना है कि जकार्ता जो आपका बंदरगाह है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी व प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं तो ये डार्विन है आपका। कौन सा? डार्विन। इसके बारे में याद रख लेना है डार्विन के बारे में कि ये
बेगले की खाड़ी में अवस्थित उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का हिंद महासागर के तट पर प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, ये आपका पर्थ है। कौन सा? पर्थ। इसके बारे में याद रखना है कि पर्थ आपका स्वान नदी के तट पर अवस्थित ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बंदरगाह व औद्योगिक नगर है। ये है आपकी एडिलेड बंदरगाह, एडिलेड बंदरगाह। इसके बारे में याद रखना है कि टोरेनस नदी के मुहाने पर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये आपका मेलबोर्न है। कौन सा? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में ही। ये आपका सिडनी है, सिडनी, सिडनी बंदरगाह आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये आपका क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च जो आपका है, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पूर्वी तट पर अवस्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपका ऑकलैंड है, ऑकलैंड, ये भी आपका न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये आपकी एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया। अब यूरोप में आपका पोर्टो, ये आपका पोर्टो है। कौन सा है? पोर्टो। इसके बारे में याद रख लेना है, पोर्टो के बारे में, कि जो पोर्टो आपका यूरोप में। फिर यहीं आपका बिलबाओ है। कौन सा? बिलबाओ। बिलबाओ आपका स्पेन के उत्तरी भाग में बिस्के की खाड़ी पर अवस्थित है। ये आपका स्पेन में है। ठीक है, स्पेन का प्रमुख। ये आपका राटरडम है, राटरडम। इसके बारे में याद रखना है कि राटरडम आपका कहाँ है? रोटरडम, नीदरलैंड स्थित राइन नदी के तट पर अवस्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका रोटरडम। ये आपका हेम्बर्ग है। कौन सा? हेम्बर्ग। हेम्बर्ग आपका कहाँ है? एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी का औद्योगिक नगर है। यही आपका कोपेन हैगन है, कोपेन हैगन। ये आपका डेनमार्क की राजधानी जो द्वीप जी द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, यह प्राकृतिक बंदरगाह देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। कहाँ है? डेनमार्क में। ये आपका एवरडीन है। कौन सा? एवरडीन। एवरडीन बंदरगाह आपका पूर्वी तट पर अवस्थित ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन का। ये आपका हेलसिंकी है, हेलसिंकी बंदरगाह है। तो इसके बारे में याद रखना कि ये आपका फिनलैंड की राजधानी, सांस्कृतिक नगर नगर तथा देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ है? फिनलैंड में। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, यानी हेलसिंकी के पास, सेंट पीटर्सबर्ग। इसके बारे में याद रखना है आपको सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में, कि ये भी आपका फिनलैंड की खाड़ी पर अवस्थित है, रूस का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसा कि आपको पता होगा कि रूस यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ठीक है, तो याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग आपका रूस का दूसरा बड़ा नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है, फिनलैंड की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये थे आपके एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपका बाल परेसो। कौन सा? बाल परेसो। इसके बारे में याद रखना है कि बाल परेसो जो आपका बंदरगाह है, चिली देश का प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, यहाँ जलपोत निर्माण यहाँ का मुख्य उद्योग भी है। ये आपका ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स, आर्यस। ये आपका ब्यूनस आर्यस अर्जेंटीना देश की राजधानी, औद्योगिक केंद्र और सांस्कृतिक नगर है। ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित है अर्जेंटीना में। ठीक, ये आपका सेंटोस है। कौन सा? सेंटोस। सेंटोस के बारे में आपको याद रखना है कि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है, ब्राजील का मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ का? ब्राजील का। ये आपका रियो डी जेनेरो है, रियो डी जेनेरो, जनरो आपका ब्राजील का प्राकृतिक बंदरगाह तथा सांस्कृतिक नगर है। कहाँ है? ब्राजील के। ये आपका लीमा है, लीमा आपका याद रखिए कि लीमा आपका कहाँ है? पेरू की राजधानी एवं मुख्य प्राक सांस्कृतिक नगर है पेरू के। ठीक है, यह आपका कार्टाजेना है। कौन सा? कार्टाजेना।
ये आपका हवाना है, हवाना क्यूबा की राजधानी है, हवाना सबसे बड़ा नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, ऊपर चलते हैं उत्तरी अमेरिका के पास, तो इसमें आपका या ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन बंदरगाह, तो इसके बारे में याद रखना है कि ह्यूस्टन है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में अवस्थित प्रमुख बंदरगाह है। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका। यही आपका बोस्टन है, बोस्टन बंदरगाह। यही आपका न्यूयॉर्क है, कौन सा? न्यूयॉर्क बिग एप्पल के नाम से प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर और प्राकृतिक बंदरगाह है न्यूयॉर्क। ये आपका हेलीफैक्स है, हेलीफैक्स। ये आपका शिकागो है, शिकागो। शिकागो के बारे में आपको याद रखना है कि मिशिगन झील के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा नगर है तथा एक औद्योगिक केंद्र भी है। ये आपका लॉस एंजल्स। यही आपका सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया राज्य में प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है सभी। ठीक है, ये आपका वैंकूवर है। वैंकूवर के बारे में याद रखना है कि वैंकूवर आपका कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में अवस्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर है। ये सभी प्रशांत महासागर के तट पर है। एंक रेंज, ये आपका है एंक रेंज बंदरगाह। इसके बारे में याद रखना है कि जो एंक रेंज बंदरगाह है ये प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित अलास्का का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, तो ये थी आपकी प्रमुख बंदरगाह, देख ली, कोई नहीं छूटा है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको चाहे रट लेना है चाहे फिर याद रखना है। ठीक है, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ये है आपका एवरडीन बंदरगाह। ये आपका स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर अवस्थित ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रेनाइट से बने भव्य भवनों के इस नगर में उत्तरी सागर से प्राप्त किए जाने वाले तेल एवं प्राकृतिक गैस का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में रसायन तथा खाद्य संसाधन सम्मिलित हैं। कहाँ है? एवरडीन आपका स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर अवस्थित ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है, फिर एडिलेड, ये आपका टोरिनस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मुख्य बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया से अधिकतर गेहूं, ऊन तथा डेयरी उत्पादन इसी बंदरगाह से निर्यात होते हैं। एडिलेड आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, अदन, ये आपका यमन के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर अरब सागर के तट पर अवस्थित एक विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अदन अंग्रेजों के अधीन था। यूरोप से आने जाने वाले जहाज इस बंदरगाह से होकर गुजरते थे। फिर आपका अल्जीयर्स, अल्जीरिया की राजधानी और सबसे बड़ा नगर जो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है, उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, इस बंदरगाह से मुख्यतः ताजा फल, लोहे इस्पात, कार्क तथा शराब का निर्यात किया जाता है। यह आपका एंकरेज, प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित अलास्का का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस नगर की स्थापना 1915 में की गई थी। 1964 के भूकंप में इस नगर को काफी हानि हुआ था। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की उत्तरी द्वीप में अवस्थित ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का 60% से अधिक आयात एवं निर्यात इसी बंदरगाह के द्वारा होता है। फिर आपका बासरा, बासरा इराक का तेल निर्यात करने वाला मुख्य बंदरगाह तथा बगदाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 2003 में तीन के युद्ध में इस नगर को काफी क्षति हुई थी। यह एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। आगे बात करते हैं हम लोग, बेलफास्ट, ये लगान नदी के तट पर अवस्थित उत्तरी आयरलैंड की राजधानी तथा मुख्य नगरीय बंदरगाह है। इस प्राकृतिक बंदरगाह में दो दर्जन से अधिक
जलपोत एक साथ रोके जा सकते हैं। फिर आपका बिलबाओ स्पेन के उत्तरी भाग में बिस्के की खाड़ी पर अवस्थित स्पेन का प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ एक आधुनिक तेल शोधन कारखाना भी स्थापित है। फिर आपका व्यूनस आरएस अर्जेंटीना की देश की राजधानी औद्योगिक केंद्र तथा सांस्कृतिक नगर ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। इस नगर की स्थापना 1580 ईस्वी में स्पेन वासियों ने की थी। यहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। फिर आपका केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित यहाँ देश का संसद भवन है। इस नगर को 1652 में हॉलैंड की डच कंपनी ने स्थापित की थी। यह दक्षिणी अफ्रीका का प्रमुख बंदरगाह है। फिर आप लोग शिकागो बंदरगाह के बारे में बताएं तो मिशिगन झील के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा नगर तथा औद्योगिक केंद्र, इसको पवन नगर के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शिकागो में सबसे बड़ी अनाज की मंडी है, जिसका सबसे बड़ा कारखाना डाकखाना भी शिकागो में नगर में अवस्थित है। फिर आपका क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पूर्वी तट पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह एवं औद्योगिक नगर है न्यूजीलैंड का। यह दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है। ऊन मांस दूध की वस्तुएं तथा अनाज इस बंदरगाह से निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका कोपेनहेगन बंदरगाह, यह आपका डेनमार्क की राजधानी जो जी द्वीप पर अवस्थित है। यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है। इसके मुख्य उद्योगों में जलपोत निर्माण, सूती बाउनी वस्त्र, चमड़े का सामान, चीनी के निर्यात, चीनी के बर्तन, आभूषण, दवाइयां, मशीनें, बिजली का सामान, कागज तथा खाद्य संसाधन मुख्य है यहाँ के। फिर आपका डार्विन बेगले की खाड़ी में अवस्थित उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का हिंद महासागर के तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह है। इस स्थान पर चार्ल्स डार्विन ने अपना शोध काम करते समय काम किया था। फिर आपका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का एक सदस्य देश है। 1966 में तेल के भंडारों का पता चलने के पश्चात इस नगर का विकास तीव्र गति से हुआ है। फिर आपका डरबन हिंद महासागर के तट पर अवस्थित दक्षिण अफ्रीका का मुख्य नगर एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। दक्षिण अफ्रीका का यह तीसरा सबसे बड़ा वह नगर है। इसके मुख्य उद्योगों में तेल शोधन कारखाना, मोटर कार, इंजीनियरिंग का सामान, कृषि यंत्र, प्रकाशन, रासायनिक एवं खाद्य संसाधन, पर्यटन सम्मिलित है। फिर आपका रोटरडम नीदरलैंड स्थित राइन नदी के तट पर अवस्थित रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व के बंदरगाहों में सर्वाधिक सामान इसी बंदरगाह के द्वारा आयात तथा निर्यात किया जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा तेल शोधन करने का कारखाना भी रोटरडम में है। यह विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। फिर आपका हेम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर अवस्थित जर्मनी का औद्योगिक नगर एवं बंदरगाह है। दूसरे महायुद्ध के दौरान इस नगर को भारी क्षति हुई थी, परंतु इसका फिर से बना लिया गया। फिर आपका हवाना क्यूबा की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर और प्राकृतिक बंदरगाह है। मध्यकालीन युग में स्पेन वासियों का वेस्ट इंडीज के लिए मुख्य निर्यात के लिए यहाँ बंदरगाह था। यहाँ पर का एक बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया। फिर आपका हेलसिंकी, यह आपकी फिनलैंड की राजधानी भी है, सांस्कृतिक नगर है फिनलैंड का और देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। 1852 में स्थापित की गई देश की प्रथम यूनिवर्सिटी इसी नगर में स्थित है। जद्रा लाल सागर के पूर्वी तट पर अवस्थित सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जद्रा सऊदी अरब का वाणिज्यिक राजधानी है। मक्का में हज करने वाले यात्री यहाँ के हवाई अड्डे से
प्रवेश करते हैं। फिर आपका कराची, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी, सबसे बड़ा नगर तथा बंदरगाह। 1947 से 1967 तक कराची देश की राजधानी थी। इस नगर में अधिकतर जनसंख्या भारत से गए मुहाजियों की है। यह एक बड़ा तेल साफ करने का कारखाना भी है। को जापान के हंसू द्वीप पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुख्य उद्योगों में जल स्रोत निर्माण, सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का सामान, मशीनें तथा खाद्य संसाधन सम्मिलित हैं। रे आपका लीमा, पेरू की राजधानी एवं प्राकृतिक सांस्कृतिक नगर है। देश का लगभग आधा आयात तथा निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। फिर बात करते हैं न्यूकैसल, इंग्लैंड के पूर्वी तट पर अवस्थित एक औद्योगिक नगर, प्राकृतिक बंदरगाह। इस नगर के पास कोयले के भारी भंडार मौजूद हैं। यह नगर लोह इस्पात उद्योग हेतु विश्व प्रसिद्ध भी है, न्यूकैसल। फिर आपका पर्थ बंदरगाह, स्वान नदी के तट पर अवस्थित ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बंदरगाह है व औद्योगिक नगर है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तथा सांस्कृतिक नगर भी है। इसके निर्यात में तेल, पेट्रोलियम, सोना तथा ऊन सम्मिलित है। फिर आपका प्लीमाउथ बंदरगाह, संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन नगर के पास स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह तथा वाणिज्यिक केंद्र। आरंभ में यह एक मछुआरे का अधिवास था, जो एक आधुनिक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। पोत निर्माण तथा पोतों की मरम्मत मुख्य यहाँ का उद्योग है। फिर आपका पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी तथा प्राकृतिक बंदरगाह। इस सांस्कृतिक नगर की आधे से अधिक जनसंख्या भारतीय मूल की है, पोर्ट लुइस की। यह सुंदर नगर पर्यटकों के लिए भारी आकर्षण का केंद्र है। पोर्टो नोवो, गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बेनिन की राजधानी एवं मुख्य बंदरगाह है। 17वीं शताब्दी में यह गुलामों के व्यापार के लिए विकसित था। फिर आपका पोर्ट सईद, सुएज नहर के उत्तरी छोर पर स्थित मिस्र का बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह है। इस नगर को 1859 में सईद पाशा के शासनकाल में स्थापित किया गया था। 1967 के मिस्र इजराइल युद्ध में इस नगर को काफी क्षति हुई थी। फिर आपका रियो डी जेनेरो, ब्राजील का प्राकृतिक बंदरगाह तथा सांस्कृतिक नगर है। इसके सफेद संगमरमर से बने भवनों के कारण इसको राइट सिटी भी कहते हैं। इस सुंदर नगर में बहुत सी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। फिर आपका सेंट लुई, मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित मैसूरी राज्य की राजधानी तथा नदी बंदरगाह है। इसके मुख्य उद्योगों में सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि यंत्र उद्योग, वस्तियां, सीमेंट तथा खाद्य संसाधन एवं पर्यटन सम्मिलित हैं। फिर आपका सेंट पीटर्सबर्ग, फिनलैंड की खाड़ी पर अवस्थित रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस नगर की स्थापना 1703 ईस्वी को पीटर द ग्रेट ने किया था। फिर आपका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया राज्य में प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह औद्योगिक नगर है। यहाँ का गोल्डन गेट विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर आपका सैंटोस बंदरगाह, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित ब्राजील का मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह है। साओ पाउलो से कॉफी का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ब्राजील का लगभग 5% आयात निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। फिर आपका सियोल, रान नदी के तट पर अवस्थित दक्षिण कोरिया की राजधानी और सांस्कृतिक नगर एवं तथा बंदरगाह है सियोल, ठीक है। फिर संघाई, यांग टस्कयांग के तट पर अवस्थित चीन का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाओं का यह नगर चीन का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र भी है। आगे बात करते हैं हम लोग टोक्यो, होनसू द्वीप के पूर्वी तट पर अवस्थित जापान की राजधानी तथा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका नरिता हवाई अड्डा पूर्व एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। फिर आपका
वाल परेसो, चिली देश का प्राकृतिक बंदरगाह, जलपोत निर्माण यहाँ का मुख्य उद्योग है। इसके अतिरिक्त रसायन, छोटी मशीनें तथा शराब के कारखाने हैं। यह ट्रांस एडियन रेलवे का मुख्य स्टेशन भी है। फिर आपका वैंकूवर, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में अवस्थित प्रशांत महासागर के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह एवं औद्योगिक नगर है आपका वैंकूवर। फिर आपका ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में अवस्थित प्रमुख बंदरगाह। यहाँ प्रमुख उद्योगों में तेल शोधन, पोत निर्माण तथा पेट्रोल रसायन महत्वपूर्ण है। फिर आपका न्यूयॉर्क, बिग एप्पल के नाम से प्रसिद्ध यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर व प्राकृतिक बंदरगाह है। हडसन नदी के तट पर अवस्थित यह नगर यहाँ की आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजधानी है। फिर आपका सिडनी, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगों में लोहे, स्टील, इस्पात, कागज, पेट्रोल, रसायन प्रमुख है। यहाँ की बोंडी बीच विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर आपका आबादान बंदरगाह, ईरान का प्रमुख बंदरगाह नगर। यहाँ तेल की विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला स्थापित है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में तेल का निर्यात होने के कारण इसे तेल बंदरगाह, ऑयल पोर्ट भी कहा जाता है। फिर आपका हांगकांग, दक्षिण चीन सागर के तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक नगर है तथा चीन का स्वायत्त शासी प्रशासनिक क्षेत्र भी है। फिर आपका जकार्ता, कौन सा? जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया जावा द्वीप पर अवस्थित इंडोनेशिया की राजधानी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता भी कहा जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता भी कहा जाता है। तो ये थे आपके प्रमुख, विश्व के प्रमुख बंदरगाह। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप देखेंगे। क्या देखेंगे? विश्व के प्रमुख द्वीप।